सहकारिता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सोमवार को नरेला के एकतापुरी दशहरा मैदान से विश्व के सबसे बड़े रक्षाबंधन महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हजारों बहनों ने अपने भैया विश्वास की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। पहले दिन लगभग 14,364 बहनों ने नरेला रक्षाबंधन महोत्सव में भाग लिया, जहां सावन के गीतों का आयोजन भी हुआ। कार्यक्रम स्थल पर मेहंदी और चूड़ी श्रृंगार स्टॉल भी लगाए गए थे। यह पहली बार था जब रक्षाबंधन के दिन ही बहनों ने मंत्री सारंग को रक्षा सूत्र बांधने का अवसर प्राप्त किया। मंत्री सारंग ने कहा कि उन्होंने नरेला क्षेत्र को कभी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा, बल्कि हमेशा इसे अपना परिवार माना है। उन्होंने यह भी कहा कि रक्षाबंधन महोत्सव नरेला विधानसभा का सबसे भव्य महोत्सव है, जिससे प्रति वर्ष 1,00,000 से अधिक बहनें रक्षा सूत्र बांधकर अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करती है। महोत्सव सनातन संस्कृति की अमिट मिसाल है। नरेला रक्षाबंधन महोत्सव के पहले दिन वार्ड 38 के एकतापुरी दशहरा मैदान में हजारों बहनों ने अपनी बारी का इंतजार कर मंत्री सारंग को राखी बांधी। बुजुर्ग बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर मंत्री सारंग को आशीर्वाद भी दिया। पिछले 15 वर्षों से आयोजित इस भव्य महोत्सव में पिछले वर्ष लगभग 1,41,324 बहनों ने मंत्री सारंग को रक्षा सूत्र बांधा था। इस बार भी 1,00,000 से अधिक बहनों के शामिल होने की संभावना है। मंत्री सारंग के स्वागत के लिए क्षेत्रवासियों ने भव्य आयोजन किया। उन्हें बग्गी से मुख्य कार्यक्रम स्थल तक डीजे और ढोल ताशों के साथ ले जाया गया और इस अवसर पर आतिशबाजी भी की गई। मंत्री सारंग ने बहनों को उपहार स्वरूप पर्स और आरती संग्रह प्रदान किए। 22 अगस्त को वार्ड 78 में प्रसून पार्क और वार्ड 59 में शाखा ग्राउंड में रक्षाबंधन महोत्सव का आयोजन हो गया, जहां भी हजारों बहनों ने मंत्री सारंग को रक्षा सूत्र बांधने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है।